हाँ तो गाइस देखिए, हमने इस पर ग्रिड डाल लिया था और ग्रिड डाल के उसके ग्रिड को हमने रब भी किया है रेजर से, ताकि अब हमको स्केचिंग करने में बिल्कुल प्रॉब्लम ना जाए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ग्रिड से ड्राइंग कैसे करना है। ठीक है, तो अभी हम इस पर स्केचिंग चालू करेंगे। तो सबसे पहले गाइस, हमें ना चारकोल स्टिक जो रहती है, मेरी छोटी हो गई है, इसको मैं सैंड पेपर पर रब करूंगी। रब करेगा तो ये डस्ट निकलेगा, इस डस्ट से मैं शेडिंग करूंगी। शेडिंग के लिए अभी सबसे पहले मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो ब्रश में मैं थोड़ा सा चारकोल पाउडर लूंगी और इसका एक्स्ट्रा हटा देंगे उसको। आप चाहे तो एक रफ नैपकिन रख सकते हो, उस पर भी रब करके हटा सकते हैं। ठीक है, क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? यस। तो ये देखो, पिक्चर भी मैंने पास में रख रखी है। अब जहां जहां डार्क एरिया है और ये देखो, मैं राउंड शेप में घुमा रही हूँ, ब्लेंड करते वक्त राउंड शेप में ही हमको ब्लेंडिंग टूल को घुमाना है। इस तरीके से, ताकि एक सॉफ्ट इफेक्ट आए। अच्छा, अभी ये काफी बड़ा एरिया है, तो इसके लिए मैं बड़ा वाला ब्लेंडिंग टूल यूज करूंगी। एक्स्ट्रा पाउडर पूरा हटा दूंगी। और इसको भी राउंड शेप में ही हमको घुमाना है। जहां डार्क है वहां रिपीट करके डार्क करेंगे फिर से। यदि आपको लगता है कि बहुत डार्क हो गया, तो हम इसके लिए क्या करने हैं, नीडेड इरेजर लेंगे हम, दिस वन। और इसको है ना, हमेशा ऐसे एक डब्बी के अंदर ही रखना है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसको जस्ट ऐसे टैप करके, जैसे मुझे लग रहा है यहाँ थोड़ा सा डार्क पोर्शन हुआ है मेरा, तो ऐसे इरेजर जैसे इसको रब नहीं करना है। कैसे करना है? ऐसे करना है, हल्के हाथ से। ठीक है, अभी एक्स्ट्रा ब्लैक हट गया, अभी हम इसको एक सा कर देंगे ब्रश से, ताकि स्टैंड ना दिखे, एक सा स्मूथनेस आ जाए। आईब्रोज के बीच में थोड़ा सा डार्क लग रहा है मेरे को, तो वो मैं थोड़ा सा और डार्क दूंगी यहाँ पे।
डेप्थ है तो यहाँ पे और डार्क है आईब्रो, और ये नोज के साइड में आईज के ऊपर। ये जो इसकी चश्मे के ऊपर की जो लाइन दिख रही है दोनों को ज्वाइन करती हूँ उसकी शेडो है ये। अभी जैसे ये इसके गॉगल्स के नीचे वाला जो स्किन है वो एज कंपैरिजन इसके थोड़ा सा डार्क जाएगा। आप लोग यदि इसको पिक्चर को जूम करके देखते हो तो इसमें और इसमें फर्क है, क्योंकि इसमें मिरर लगे हुए आज गॉगल्स में, तो वो थोड़ा सा पीछे वाला एरिया हमको डार्क दिख रहा है। तो उसके लिए हम पहले ही एक लाइट बेस पूरे में दे लेंगे, फिर इसके बाद हम डार्क शेड देंगे। जब भी हम पहले हेयर्स बनाएंगे गाइस, तो हेयर्स बनाने के लिए हमको पहले बेस देना पड़ेगा। तो बेस हम पहले चारकोल पाउडर को ब्लेंडिंग ब्रश में लेके स्मच कर रहे हैं ताकि एक बेस तैयार हो जाए। और ये जो छोटे छोटे बेबी हेयर्स थे वो हमने दिए हैं पेंसिल से, ये मैकेनिकल पेंसिल से, ठीक है। अभी हम यूज करेंगे 100EE, ठीक है। जहां जहां लाइट डार्क का इफेक्ट है वहां पे 100EE यूज कर रही हूं मैं, क्योंकि इनका जो देखिए आप, मैं बता रही हूं कि स्किन है ये, पिक्चर को मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाती हूँ। ये देखिए आप, ये जो छोटे छोटे से हेयर्स है, अब इनका फॉरहेड कहाँ तक दिख रहा है, ऊपर तक है ना, फिर इसके ऊपर से, फॉरहेड के ऊपर से
बाल आए हुए हैं तो वो हम देंगे एक एक पतला पतला। देखो बहुत ही ध्यान से काम करना है और डायरेक्शन देख के करना है। और जो बेबी हेयर्स दिख रहे हैं बहुत लाइट दिख रहे हैं वो हमको मैकेनिकल पेंसिल से करना है, ठीक है।